वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 7 पाठ 5 पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रण्य सबसे पहले गिनती जिनकी होती है, ऐसी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी शताब्दी ख्रिस्ताब्दी यानी ईस्वी शताब्दी वर्ष में अलभत हुआ। जन्म यहाँ पे आ जाएगा, जन्म हुआ। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे थे, च यहाँ आएगा, और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन काले उस समय में स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनिया आसी। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, यानी कि विचार करने योग्य थी। उस समय लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, इस वजह से उनकी जो स्थिति थी, उनकी पढ़ाई की जो दशा थी, वो विचार करने योग्य थी। स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम न अस्ति न प्लस आसीत। स्त्री शिक्षा के लिए संस्कृत शिक्षण, संस्कृत पढ़ना प्राय प्रचलित न आसीत। प्राय यानी कि नॉर्मली, हम कहते हैं ना कि ऐसा होता नहीं था, तो ऐसी जो शिक्षा, जो शिक्षण संस्कृत की जो शिक्षा थी, वो उस समय की लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं होती थी। किंतु डोंगरे रूढ़ी बद्धा धारणा परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्याप्यत। किंतु डोंगरे ने रूढ़ीवादी, रूढ़ीबद्धा यानी रूढ़ियों में बंधी हुई धारणा को छोड़कर, परित्यज्य यानी छोड़कर, अपनी पत्नी को संस्कृत अध्याप्यत यानी के पढ़ाया। एतद अर्थम स, एतद अर्थम, एतद प्लस अर्थम, स समाजस्य प्रतारणाम अपि असह्यत। एतद अर्थम, इसके लिए सह, उन्होंने, उन्होंने किन्होंने, डोंगरे ने, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया था, इसलिए उनको समाज की प्रताड़ना भी, प्रताड़ना यानी कि बातें सुननी पड़ी, समाज से उनको तिरस्कार मिला, ये भी सहन करना पड़ा। अनंतर रमा अपि स्व मातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवंती, प्राप्तवती। अनंतर उसके बाद रमा भी स्व मातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त करती है, यानी कि उसके बाद उनकी मम्मी ने, उनकी माँ ने उन्हें भी संस्कृत शिक्षा को पढ़ाया। काल क्रमेण, काल बीतने के साथ साथ यानी समय बीतने के साथ साथ रमाया पिता विपन्न जाता। विपन्न मतलब होता है गरीब, तो रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याम पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षित पीड़िता दिवंगता। तस्या पितरौ, पितरौ होता है माता और पिता दोनों, माता और पिता जब दोनों का नाम साथ में लिया जाता है तो उनको पितरौ कहते हैं। उनके माता पिता ज्येष्ठ भगिनी, ज्येष्ठा भगिनी मतलब बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष यानी भूख से पीड़ित होकर दिवंगता, गुजर गए, डेथ हो जाती है ना, उसको कहते हैं दिवंगत होना। तदंतर रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। तदंतर उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदाभ्याम पैरों द्वारा समग्र भारतम अभ्रमत, सारा भारत घूमी, मतलब वो अपने भाई के साथ पूरे भारत में घूमी, वो भी पैदल, पदाभ्याम यानी के पैदल। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्त, घूमते हुए वह
कोलकाता प्राप्ता मतलब पहुंची, वह कोलकाता को प्राप्त हुई का मतलब होता है कि वह कोलकाता में थी। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण यानी संस्कृत में विद्वान होने के कारण, विदुषी होने, देखो अगर जेंट्स होता है तो विद्वान होता है, अगर लेडीज होती है तो विदुषी होती है, तो संस्कृत विदुषी होने के कारण वह वहां पर पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रे सा ब्रह्म समाजे प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहां पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। तत्पश्चात उन्होंने क्या किया, यानी कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, स्त्रियों के लिए वेद आदि की और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बाकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत। 1880 शताब्दी ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बाकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धिक वर्षात अनंतर सार्ध एक यानी एक और आधा यानी डेढ़ वर्ष के बाद ही तस्या पति दिवंगत, डेढ़ वर्ष के बाद ही उनके पति गुजर गए, दिवंगत हो गए। तदंतर सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके बाद वह पुत्रया अपनी पुत्री मनोरम्या मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आए। प्रत्यागच्छत प्रति प्लस आगच्छत, लौट कर आ गई। नारीनाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीय जीवनम अर्पितवती। नारियों की शिक्षा के लिए और सम्मान के लिए वह अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर चुकी थी। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए यानी हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड देश भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहां पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारों से वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड के बाद रमाबाई अमेरिका देश में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम धन अर्थ संचयम अकरोत। वहां पर उन्होंने विधवा भारतीय स्त्रियों के लिए अर्थ संचय यानी कि धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित। भारत लौटकर मुंबई में नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन आश्रमे निस्सहाया स्त्रिय निवसति स्म। इस आश्रम में निस्सहाय यानी जिनका कोई सहारा नहीं होता ऐसी स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रिय टंकण मुद्रण काष्ठ कलादीन च प्रशिक्षण लभ्यन्ते स्म। यहाँ पर स्त्रियां जो थी वो मुद्रण यानी के छापना, टंकण यानी के टाइपिंग जिसको हम बोलते हैं, काष्ठ कलादीन च, काष्ठ कला होती है लकड़ियों की जो कला होती है उसका प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरितम जातम। लेकिन यह सदन ये जो घर था वो
पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी ट्रांसफर हो गया। तत्र पुणे नगरस्य समीपे केड़ गांव, वहां पर पुणे नगर के पास केड़ गांव के गांव नाम पर के स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापितम। उन्होंने केड़ गांव नाम का एक जगह थी, वहां पर मुक्ति मिशन नाम संस्थान की स्थापना की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिय स सम्मान जीवन याप्यति। अत्र वहां पर अधुना आज भी निरक्षित स्त्रियां, जो पढ़ी लिखी नहीं होती है वो, और निराश्रित स्त्रियां जो होती है बिना किसी आश्रय वाली, जिनका कोई सहारा नहीं होता वो निराश्रित होती है, ऐसी स्त्रियां ससम्मान सम्मान के साथ अपना जीवन याप्यंती जीवन बिताती है। 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी शताब्दी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशा नाम अनेकाशु भाषाशु निपुणा आसीत। वह देश की और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी, यानी कि उनको बहुत सारी भाषाएं आती थी, चाहे वह भारतीय भाषाएं हो या विदेशी भाषाएं। समाज सेवाया अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्यां महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र भी में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अवदानम मतलब योगदान है, या उन्होंने बहुत सारा लिख करके हमें दिया है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाया द्वयम वर्तते। उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं जो है उनका नाम है स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन। आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।